ताहिर हुसैन के मकान के पास दूसरी मंजिल पर एक हिंदू लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थीं। इतने में ही ताहिर हुसैन की छत पर मौजूद हजारों दंगाइयों की भीड़ ने दूसरी मंजिल पर शादी की तैयारी में लगे लोगों पर पहले तो ईंट पत्थर फिर टाइल्स फेंकना शुरू कर दिया। रसगुल्ले पड़े हुए हैं, सारी मिठाइयाँ ये हैं, इसमें पूरे में नीचे से आग लगाई है, कुछ लोग ऊपर से उतर के आए हैं इसमें। ये आतंकवादी ताहिर हुसैन, इसने सब कुछ करवाया है, पार्षद नहीं है ये, आतंकवादी है ये। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस दंगों में श्याम साहनी का सब कुछ उजड़ गया है। मुस्लिम भीड़ ने करावल नगर इलाके में मौजूद श्याम टी स्टॉल को निशाना बनाया, लूटपाट के बाद दुकान को आग के हवाले कर दिया। इस दुकान के मालिक श्याम साहनी सब कुछ देख रहे थे लेकिन चाहकर भी कुछ कर ना सके। गोकुलपुरी की टायर मार्केट में आग लगा दी गई, मारुति सुजुकी की सेकंड हैंड कारों का शोरूम बुरी तरह जलाकर राख कर दिया गया। दुकान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह रही होगी। आज भी जिहादी दंगाइयों के मौत के तांडव के निशान जगह जगह देखे जा सकते हैं। सड़कों पर जगह जगह बाइक, स्कूटी, ऑटो, कार व अन्य वाहन जले हुए गवाही दे रहे हैं। दूसरी ओर उपद्रवियों ने जगह जगह मकान, दुकान, धार्मिक स्थल, स्कूल, फैक्ट्री के अलावा अस्पतालों को निशाना बनाकर उन पर हमला किया। पिछले सप्ताह हिंसा के दौरान कम से कम 122 घर, 322 दुकानें और 301 वाहन पूरी तरह से खाक हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 मार्च की सुबह तक एसडीएम के नेतृत्व में 18 टीमों की ओर से शेयर किए गए इनपुट के आधार पर यह डाटा तैयार किया गया है। हालांकि माना जा रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में यह संख्या और बढ़ सकती है। इस्लामी दंगाइयों ने हिंदुओं को ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जिनकी भरपाई होना आसान नहीं है।